चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ का खीर। हाँ दोस्तों, गुड़ का खीर, ये खीर बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं गुड़ का खीर बनाने। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बगल में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। उससे क्या होगा दोस्तों कि आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये मेरा एक गिलास चावल है जो मैं घर पे यूज करती हूँ। मैं इसको धो करके अच्छे से यहाँ पे रख ली हूँ एक बाउल में। एक गिलास दूध है और 350 ग्राम ये मेरा गुड़ है। मैं इसको टुकड़े में कर ली हूँ। यहाँ पे 1 कप पानी है। अगर 1 गिलास आप चावल ले रही है तो 2 गिलास पानी आपको डालना है। मेरा इस गिलास से 1 गिलास चावल था तो मैं इसे 2 गिलास पानी डालूंगी। और यहाँ पे मैं कुकर में बनाऊंगी। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में बना सकती हैं। मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ कि अगर आपके पास अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं झटपट गुड़ का खीर कुकर में बना सकती हूँ। बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। तो देखिए मैं इसमें चावल डालूंगी। एक गिलास पानी, 2 गिलास पानी और साथ में गुड़। अब मैं चम्मच इसको एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा ली हूँ। मुझे जैसे चावल आप बनाती हैं, मात्र मैं 2 सीटी लगाऊंगी। उसके बाद प्रेशर कुकर को ठंडा होने दूंगी। जब इसका प्रेशर निकल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं कुकर को खोलूंगी। आप यहाँ देख सकती हैं जो मैं 1 गिलास दूध ली हूँ, ये मेरा उबला हुआ दूध है। क्योंकि एक ही साथ डायरेक्ट नहीं डालेंगे उसमें। अगर खीर भी मेरा गुड़ का गर्म होगा और दूध भी गर्म रहेगा तो खीर फट सकता है, क्योंकि गुड़ में दूध डालने से फट जाता है। इसलिए पहले से मैं इसको दूध को उबाल करके यहाँ पे रख ली हूँ। दूध मेरा ठंडा हो गया है। जब खीर बन जाएगा तब मैं इसमें मिलाऊंगी तो मेरा खीर गुड़ का नहीं फटेगा। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ गैस को ऑन कर ली हूँ। 2 सीटी लगने देती हूँ, खीर बन जाता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं मेरा बनके तैयार हो गया है। सीटी लग चुका है। अब मैं इसको नीचे उतार लेती हूँ ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि गुड़ का खीर कैसा बना हुआ है। चलिए देखते हैं। प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है, इसका प्रेशर निकल गया है। अब मैं खोलती हूँ, देखती हूँ मेरा खीर कैसा बना हुआ है। आप देख सकती हैं कितना अच्छा बना हुआ है खीर। देखिए जैसा खीर होना चाहिए वैसा है, ना तो पतला ना तो ज्यादा गाढ़ा, ऐसा ही खीर रहता है गुड़ का। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। आप चाहें तो इस तरीके से भी गुड़ का खीर खा सकती हैं, अच्छा लगेगा। लेकिन दूध मैं इसलिए डाल रही हूँ कि अगर दूध डाल दीजिए थोड़ा सा तो कलर भी इसका चेंज हो जाता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा दूध आप जरूर डालें। तो आप देख सकती हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। वैसे पूरा रेड रेड दिख रहा था। देखिए बनके तैयार हो गया है। मैं सर्व करने के लिए एक बाउल में निकालती हूँ। आप देख सकते हैं कितना इजी है गुड़ का खीर बनाना। तो आप भी अपने किचन में इसी तरीके से झटपट गुड़ का खीर बनाइए। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर आप एक बार इसको बनाएंगी तो दूध का खीर खाना भूल जाएंगी। देखिए सर्व करने के लिए मैं एक बाउल में गुड़ का खीर निकाल ली हूँ। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट होगा। प्लीज आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं इसी तरीके से एक नई वीडियो में मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।